नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यदि आप अपने वोटर कार्ड की पर्ची निकालना चाहते हैं तो वो आप कैसे निकालेंगे, जिससे कि आप वोट डाल पाएंगे या किसी अदर काम के लिए आपकी मतदाता पर्ची आपके काम में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ डालना है CEO UttarPradesh.NIC.in। ये फ्रेंड्स मेन साइट ओपन हो चुके हैं। यहाँ आपको सर्च योर नेम इलेक्ट्रल PDF, इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है विवरण द्वारा खोजें, पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोजें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहचान पत्र संख्या द्वारा खोज के दिखाता हूँ। आप चाहें तो उसमें नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ एपिक नंबर डाल देता हूँ, जो मतदाता कार्ड संख्या है वो यहाँ मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये कैप्चर फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको खोजें पर क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये एपिक नंबर, नाम, सारी चीज़ें, कहाँ वोट डालते हैं, पोलिंग स्टेशन, सारी चीज़ आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कर देना है व्यू डिटेल। ये फ्रेंड्स, पूरी डिटेल इनकी स्क्रीन पर आपके सामने शो हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे आ जाना है। यहाँ से मतदाता सूचना प्रिंट करें, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, PDF डाउनलोड हो गई है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं प्रिंट कर लूँगा। तो ये फ्रेंड्स है मतदाता सूची में आपकी जो वोटर कार्ड संख्या है वो, पोलिंग स्टेशन, वोटर कार्ड नंबर, कार्ड नंबर, सारी चीज़ें आपकी इस पर आ जाएंगी, जो कि हर जगह वैलिड होगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप डिजिटल मतदाता पर्ची डाउनलोड ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब